हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी और साथ में बहुत ही हेल्थी सब्ज़ी। इसको आप बरबटी, लोबिया या आप बोड़ाई की सब्ज़ी के नाम से भी जान सकते हैं, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। साथ में ये एनर्जी बूस्टर भी होती है, क्योंकि इसमें कैलोरी की मात्रा ना के बराबर होती है और साथ में ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसमें विटामिन सी की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है, तो मैंने इसको लगा रखा है अपनी टेरेस गार्डन में, क्योंकि मुझे टेरेस गार्डनिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक है। तो आइए सबसे पहले टेरेस गार्डन में से कुछ सब्जियां हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आज मैंने बैंगन और लोबिया को हार्वेस्ट किया था, बोड़ा को। तो आज मैं बनाऊंगी बोड़ा की सब्ज़ी। तो देखिए, सबसे पहले मैंने इस तरीके से बरबटी को अच्छी तरीके से धो करके और मीडियम साइज़ के टुकड़ों में काट लिया है। आप इसके किसी भी साइज़ में इसको, जिस तरीके से आप खाते हैं, आप उसी साइज़ में इसको तोड़ करके काम में ले सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इसको काटने से पहले ही धोना होता है। और उसके बाद मैंने मीडियम साइज़ के आलू छील करके, क्योंकि अभी नए आलू नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए पुराने आलू को आप छील करके ही काम में लें। नए आलू आते हैं तो हम छिलके सहित भी सब्ज़ी बना लेते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद मैंने कर लिया है तेल गरम और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से धो करके और मैंने इसको चढ़ा दिया है भूनने के लिए। और हम इसको कम से कम 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर बहुत ही अच्छी तरीके से भून लेंगे। और मैंने डाल दिया है इसमें थोड़ा सा नमक, आपको अभी हल्का सा ही नमक काम में लेना है। और उसके बाद एक जार में मैंने ले लिया है दो से तीन हरी मिर्च, साथ में अदरक का टुकड़ा और 5 से 7 कलियां लहसुन की ले ली है। और उसके बाद मैं डाल दूंगी इसके अंदर थोड़ी सा साबुत हरा धनिया डालना है आपको। पत्ती वाला धनिया इसमें हम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें हम साबुत धनिया इस्तेमाल करेंगे। और साथ में डाल दिया है 1 चम्मच जीरा। और उसके बाद डाल दिया है मैंने इसमें 2 टुकड़े दालचीनी के डाले हैं, ताकि इसका अरोमा और इसका फ्लेवर, और जब ये हेल्थ कॉन्शियस ही सब्ज़ी है तो इसमें मैं बहुत ही अच्छी तरीके से मसाले का इस्तेमाल करूँगी। और साथ में डाल दिया है मैंने इसमें 5 से 7 काली मिर्च, और मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डालूँगी इसमें पोस्ता दाना। और आप इसको पोस्ता दाना ही के नाम से ही, मैं तो इसको हमेशा मांगती हूँ तो दुकान वाले दे देते हैं, तो आप इस तरीके से पोस्ता दाना ले लें और इसको थोड़ा सा पानी डाल करके आप बहुत ही अच्छी तरीके से ग्राइंड करके फाइन पेस्ट बना लेते। ये बहुत ही अच्छी तरीके से फाइन पेस्ट बन गया है। और उसके बाद मैंने जो सब्ज़ी भूंजी थी उसको हमको निकाल लेना है। और उसके बाद डाल दिया है मैंने एक कढ़ाई, उसी वाली कढ़ाई में दोबारा से तेल डाल दिया है, क्योंकि कढ़ाई हीट है और मैंने उसी में डाल दिया है। साथ में डाल दिया है मैंने सरसों का तेल और थोड़ा सा जीरा, और बारीक कटे हुए मैंने इसमें डाल दिए हैं प्याज। प्याज आपको 2 से 3 प्याज ले लेना है, आप जिस हिसाब से भी प्याज खाते हैं। मैं थोड़ा प्याज ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, तो मैंने इसमें 2 प्याज बहुत बारीक अच्छी तरीके से काट करके और प्याज डाल दी हैं। और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से जब प्याज भुन जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए, उसके बाद मैंने डाल दिया है इसमें जो हमारे पोस्ता दाने का मसाला था, जिसमें मैंने काली मिर्च, लहसुन, अदरक सब कुछ डाला था, वो वाला मसाला मैंने डाल दिया है। और साथ में डाल दिया है मैंने इसमें स्वाद अनुसार नमक, तीखी वाली लाल मिर्च डाली है, साथ में डाला है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और उसके बाद डाल दिया है धनिया पाउडर। मैं इसमें ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने सारे मसाले ऑलरेडी पहले पीस लिए हैं जो हमने इसके अंदर ऐड कर दिए। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आप इसी तरीके से मसाले को बहुत अच्छी तरीके से भून लें और मीडियम फ्लेम रखें। आप फ्लेम को ज़्यादा हाई ना रखें, आप बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर सब्ज़ी बनाएंगे तो सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी और सही तरीके से पकी हुई होगी। बहुत बार क्या होता है कि हम फ्लेम हाई कर देते हैं और सब्ज़ी पानी उड़ता जाता है और कुछ समझ में नहीं आता है, तो मीडियम फ्लेम पर ही रखें। और उसके बाद डाल दिए मैंने इसमें बारीक कटे हुए टमाटर। और उसके बाद जब ये थोड़े से टमाटर अच्छी तरीके से पक जाए, भुन जाए, सब्ज़ी करीबन मेरी 70 से 80% तक बन चुकी है, मतलब भुन चुकी है, ये मसाले में भूनते भूनते 70 से 80% तक पक जाती है। और उसके बाद डाल दिया है मैंने इसके अंदर पानी। आप जिस हिसाब से भी ग्रेवी लेना चाहें आप उस हिसाब से, क्योंकि आप ये पहले ये देख लें कि हमारी सब्ज़ी किस लेवल पर पक चुकी है, उसके बाद आप पानी इसमें ऐड करें, क्योंकि ज़्यादा कच्ची रहेगी तो पानी ज़्यादा लगेगा। तो मेरी सब्ज़ी 80% भुन चुकी थी और मैंने इस तरीके से इसमें पानी डालकर, और अब हमारी सब्ज़ी हो गई है बिल्कुल रेडी। तो आप एक बार इस तरीके से बिल्कुल बना करके देखें, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।